राजू द्विवेदी जी हैं जो बांदा से हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री रुद्र राजन राजभर जो गाजीपुर समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो सपा के प्रदेश सचिव रहे हैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अजय सिंह वर्मा प्रबंधक बाराबंकी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अरवल पूर्व प्रधान बाराबंकी कांग्रेस छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री रामचंद गौतम बाराबंकी कांग्रेस छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री विकास वर्मा, श्री जयप्रकाश, श्री अरमान बारसी, श्री असलम अली खान, श्री वीर बहादुर, श्री पवन कुमार चतुर्वेदी लखनऊ, श्री शिल्पा सिंह लखनऊ, श्री नवनिहाल वर्मा लखनऊ, श्री देवनंद लखनऊ, श्री श्रवण कुमार मिश्र बलरामपुर, श्री राजकिशोर पाठक बलरामपुर, श्री रोहित पांडे बलरामपुर, श्री संतोष कुमार शुक्ला बलरामपुर, श्री दिव्यांग शुक्ला बलरामपुर। ये साथी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अलखराम चौरसिया जो श्रावस्ती के हैं ये कांग्रेस पार्टी छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री रामराज चौरसिया ये श्रावस्ती के हैं ये भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री हरिश्चंद द्विवेदी जी जो बांदा के हैं, श्री ओम जी दीक्षित जो बांदा के हैं, श्री साकेत मिश्रा जी बांदा के ये कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर सर्वेश ओझा पूर्व डीआईजी कोर्ट विभाग लखनऊ आज ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इन सभी साथी जो आज भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को समझ करके पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर नीतियों से प्रभावित होकर के आज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। दूसरी चीज आप लोगों से एक बात कहनी है कि समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता हैं जो फर्जी खबर जिसको कहते हैं कट, क्या बताते हैं, कट पेस्ट वीडियो, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। एक वीडियो मेरे संज्ञान में परसों आया कि जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो 420 फरार का काम करते हैं, उन्होंने अरविंद राजभर के वीडियो को कटपीस बना करके कि अखिलेश यादव जी को गोली मारने तक का ऐसा वीडियो बना डाला जो पूरे प्रदेश में वायरल कराया। तो यह समाजवादी पार्टी के लोग फराटगिरी 420 में माहिर हैं, इनके आईटी सेल के लोग भी फराटगिरी में माहिर लोग हैं। तो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के उन गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहूंगा कि इनके बहकावे में या इनके किसी तरह के बयानबाजी वीडियो के माध्यम से अगर पेश हो तो उसकी सच्चाई को जानने की भी कोशिश करें, पूरा वीडियो देख लें, न समझ में आवे तो हम लोगों से संपर्क कर लें। क्योंकि जिस दिन से हम लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हुई है, प्रदेश और देश में किसी को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को।